please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है और ये एपिसोड मेरे NRI व्यूअर्स के लिए है। NRI लोग जब इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ आ जाती हैं, टैक्स आ जाते हैं, TDS और काफ़ी सारे नियम आ जाते हैं जिसको लेके वो उलझ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो उन्हीं के लिए आज मैं मनोज सिंह जी के पास आया हूं। मनोज सिंह जी CA हैं और ये सारी चीज़ें बताएंगे डिटेल्स में कि कैसे क्या करना है, किन के पास जाना है, कहाँ पे टैक्स भरना है, जिससे आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकें। मनोज सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपसे, आप मुझे शुरू से बताइए कि कहानी शुरू कैसे आई है, एक NRI इंडिया में आया है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, NRI की प्रॉपर्टी जब भी कभी सेल करते हैं तो उसके जो टैक्स प्रोविज़न है एज़ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको हायर रेट पर ही TDS का एक प्रोविज़न है जिसमें डिडक्ट करके बायर को डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट की बात आती है तो 20% और 30% की बात आती है, तो यहाँ पर जो सेलर है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कॉस्ट थी ज़्यादा और जो बेच रहा है, कई बार क्या होता है कि सेम प्राइस में बेच रहे हैं तो जो उसका नेट इफेक्ट होता है प्रॉफिट का वो उतना नहीं बढ़ता कि उस पर 30% या 20% का TDS रेट लगे। अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बायर की होती है तो बायर क्या करता है कि भाई मैं तो पूरा TDS काटूंगा, क्योंकि अगर कल को कोई परेशानी आती है, कुछ भी होता है तो टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बायर के ऊपर ही नोटिस डालेगा कि आपने टैक्स डिडक्ट क्यों नहीं किया। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बायर सेलर के पास जाता है। जब सेलर बोलता है कि नहीं, इतना टैक्स तो मैं नहीं कटवाऊंगा, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न होना चाहिए? एक ही प्रोविज़न है उसके लिए कि जो सेलर है वो अंडर सेक्शन 197 अपनी फाइल इंटरनेशनल वार्ड में जाकर अपना फाइल लगा सकता है, जिसके अंदर जो भी एक कैलकुलेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी बन रहा है उसकी एक एक्चुअल कैलकुलेशन लेके जाएं और सारे ही सपोर्टिंग जो कि उसको बताते हैं कि यही नेट इफेक्ट बन रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स बनता है उसको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि या तो सेलर खुद या कोई भी एक प्रोफेशनल को हायर करके एक पावर ऑफ अटॉर्नी देके वो कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि सेलर का, बायर का, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ, उनकी कम्युनिकेशन एड्रेस और उनकी कम्युनिकेशन डिटेल्स लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल्स, ये सारी देनी पड़ेंगी। दीज आर द बेसिक डिटेल्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ हैं, एक आपका जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उनके सेल एग्रीमेंट, बायर एग्रीमेंट, ये आपके होने चाहिए। इन एडिशन टू दैट, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसका प्रॉपर इंडेक्सेशन होना चाहिए। इंडेक्सेशन होने के बाद पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके थोड़ा डिस्क्राइब करिए। हाँ, पर पहले जब पुराने टाइम की मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली जो लॉ है थोड़ा चेंज हुआ है। पहले जो हुआ करता था, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने होल्ड करी है 3 साल से ज़्यादा के लिए तो वो आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म में उसका माना जाता था। अब जो है लॉ चेंज हो गया है तो अब ये 1 साल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप होल्ड करते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। इसमें टैक्स के क्या प्रावधान है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में? हाँ, लॉन्ग टर्म में आपका 20% है प्लस एजुकेशन सेस और जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है उसमें 30% है। तो होता क्या है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं प्लस आपको पूरा इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, कैपिटल गेन निकालने के बाद आपको जो आपकी परचेज कॉस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जो परचेज का पैसा दिया है उसको आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे? अगर आपने किसी बिल्डर को कोई पेमेंट करी है तो उसकी रिसिप्ट। इन एडिशन टू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बैंक से वो पैसा निकलना चाहिए, तो रिसिप्ट प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये ले जाकर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर फाइल कर सकते हैं इंटरनेशनल वार्ड में। अब इंटरनेशनल वार्ड के पास इसके लिए टाइम लिमिट जो गवर्नमेंट ने दी है वो दी है 30 डेज़ की। आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए, वहाँ पे जाइए 30 डेज़ के अंदर, क्योंकि जो भी NRIs हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनके पास कम समय होता है, तो 30 डेज़ की डेडलाइन दी है। आप 30 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को वो सर्टिफिकेट इशू करना ही पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने सेल करी है बट उसकी परचेज कॉस्ट जो थी वो 70 लाख की थी।
अब इसके अंदर जो प्रॉफिट आ रहा था नेट, फॉर एग्जांपल 30 लाख का आ रहा था, तो 30 लाख के हिसाब से अगर मान लीजिए वो शॉर्ट टर्म की प्रॉपर्टी है और उस पर 30% का हम टैक्स लगा दें तो सैलर के साथ वो नाइंसाफ़ी होगी। तो बायर जो सेलर है वो क्या करेगा, वो उसकी पूरी इंडेक्सेशन निकालेगा, जो भी नेट इफेक्ट रेट ऑफ TDS आएगा, फॉर एग्जांपल अगर उस पर 5% का TDS आता है तो आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन बाय दी DCIT ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव रेट उसका 5% बन रहा है, 4% बन रहा है, जो भी बन रहा है, और अकॉर्डिंगली वो बायर को इशू कर देंगे। ये लेने के लिए आपको बायर को 10 नंबर लेना बड़ा कंपलसरी है, बिना 10 नंबर लिए आप इसके अंदर जो है TDS की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, और ना ही बिना 10 नंबर के आपको कभी भी इसका एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब 10 नंबर होगा वो 10 नंबर के नाम पर ही इशू होता है सर्टिफिकेट और मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो इंडिया में रेजिडेंट हैं वो अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल और बाय करते हैं तो उनको 10 नंबर की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो इन जो है कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ अपना पैन नंबर सेलर का डाल के और बायर का सेलर का पैन नंबर डालकर प्रोसेस कर सकते हैं फॉर्म 26UB। बट नहीं, NRI के केस में ऐसा नहीं है, बायर को 10 नंबर लेना कंपलसरी है और 10 नंबर के साथ ही एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल होगी। और इन एडिशन टू दैट एक चीज़ और है कि जब जो DCIT ऑफिस में जब एप्लीकेशन रिव्यू होती है तो वो शायद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी मांग सकता है इसके साथ साथ, कि भाई जो आपकी इंडिया में क्या इनकम है उस पर आपने ITR फाइल करी है कि नहीं करी है, या कोई ऐसी इनकम है जो आपने रिवील करी है तो वो उस पर भी एक्शन ले सकता है। इन सब कानून भागदौड़ के लिए जो NRI है उसे किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, और मेरे ख्याल से CA की तो बेहद ज़रूरत ही पड़ेगी। हाँ, इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये है कि हाँ अगर बायर को सेलर को लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ तो वो खुद भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मोस्टली लोग CA की हेल्प लेते हैं या एडवोकेट्स की हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से ही ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और एक पावर ऑफ अटॉर्नी NRI को बनानी होती है CA के नाम पर, और CA सारे डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करके और सारी एप्लीकेशन तैयार करके, इंडेक्सेशन करके और कैपिटल गेन निकाल के वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वही सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट ले सकते हैं और वो सर्टिफिकेट वो बायर को आगे दे सकते हैं। एक NRI खुद करेगा इस पूरे प्रोसेस को तो उसे कितना टाइम लगेगा, और एक CA करेगा तो कितना टाइम लगेगा? देखिए, CA क्योंकि एक्सपर्ट होता है उस चीज़ में, या फिर CA जिस फील्ड में काम कर रहा है, अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो उस काम से गुजर चुका होगा, उसने काफ़ी बार वो किया होगा। बट ये है कि हाँ, मैं जो जिस तरह से मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से भी अगर एक सेलर खुद अगर जाके एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आती है या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है तो वो आप टाइम टू टाइम जब आप अपनी स्टेटस लेने जाएंगे तो वो आपको इंटीमेट करेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये आपको सॉल्व करनी है। बट हाँ, कहीं कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो वहाँ ऑब्वियसली आपको एक एक्सपर्ट ही उसमें हेल्प कर पाएगा, तो उस टाइम आपको CA की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। मतलब आप सीधे बता नहीं चाहते, लेकिन मैं बता दूं कि CA की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि एक तो जो हमारे NRI हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है, इंडिया आते हैं, इंडिया में फिर और भी काम होते हैं, सिर्फ घर बेचने के लिए नहीं आते हैं, तो उसमें फिर इतनी सरदर्दी आप लेंगे, इससे बढ़िया आप एक CA कर लें, सुलझा हुआ रहेगा ज़्यादा मामला। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए शुक्रिया, और हमारे जितने भी NRI व्यूअर्स थे सबके दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी डाउट्स हो तो हमारी ईमेल ID यहाँ पे मेंशन है, आप उस पे मेल कर सकते हैं, और जो हमारा वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, आप हमें सब जगह मैसेज करके पूछ सकते हैं, मनोज सिंह जी सबके डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप देख रहे थे रियल्टी मीडिया, मेरे यानी राकेश सिंह के साथ, कैमरा पर्सन शुभी गोयल।